Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जहां बीजेपी दिग्गजों के बच्चों को टिकट दे रही है, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस तो दो कदम आगे है। अभी तक 90 में से 88 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। इस लिस्ट में जो अहम नाम सामने आए हैं, उसमें कैथल से उम्मीदवार कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का नाम महत्वपूर्ण है। वहीं पार्टी ने खुला से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को एक बार फिर से मौका दिया है, जबकि पलवल सीट से करण दलाल को चुनावी रण में उतारा गया है। करण दलाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदारों में से एक माने जाते हैं। मुलाना से अंबाला से सांसद अरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है। कलाया सीट से हिसार के लोकसभा सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहरान को मौका दिया गया है। इन नामों से साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति पर ही काम कर रही है। बिल्कुल, हम सभी को आश्वासन देते हैं, सभी को आश्वस्त करते हैं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी और तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे, हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस चीज से, उस दौर से आप कभी नहीं गुजरेंगे। कांग्रेस सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा विकास का प्रतीक था देश में। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर एक था हरियाणा उस समय। अमन चैन शांति और अच्छी कानून व्यवस्था का उदाहरण था हरियाणा में। सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा में हो रहा था। किसान के हितों की योजनाओं की बात हो, गरीब के उत्थान की योजनाओं की बात हो, व्यापारियों को एक भय मुक्त वातावरण दिलाने की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, इन सभी पहलुओं में हरियाणा देश में आगे था। उस नींव के साथ नमस्ते, ठीक है भाई, पकड़ के उसी नींव के साथ आगे बढ़ाएंगे हरियाणा का विकास का सफर। आज दिल्ली के तीन तरफ बसा हरियाणा, ये तो एक हमारा ऐसा प्रदेश है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि देश में सबसे आगे हो सकता है।